हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस फेस्टिवल सीजन में गुलाब जामुन मेन स्वीट्स में काउंट होता है और लगभग सभी के घर में बाजार से आता ही है, पर बाजार से आने वाले गुलाब जामुन में यूज़ होने वाले मावे की क्वालिटी का कुछ पता नहीं होता है। इसलिए आज मैं घर में बने मावे का यूज़ करने वाली हूँ। इसमें आज मैंने इंस्टेंट मावा यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गुलाब जामुन में उसकी चाशनी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और चाशनी बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के चाशनी बनाने के लिए मैं इस तरह की बड़ी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। बड़ी कढ़ाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गुलाब जामुन बनने के बाद थोड़े से फूलते हैं और चाशनी डिप होने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है। सबसे पहले इस कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 कप शुगर, अब इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। जितनी हमने शक्कर ली है उसका आधा हमें पानी लेना है। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। ये गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। अब इसको इस तरह से लगातार हम चलाएंगे और शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब तक शुगर मेल्ट नहीं होती हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें कोई शुगर क्रिस्टल नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर। केसर का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, गुलाब जामुन में टेस्ट को ये बहुत इनहेंस करता है। केसर दाल को इसको मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें डालूंगी आधे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से गुलाब जामुन में चाशनी की परत नहीं चढ़ेगी। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और लगभग 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। जब तक चाशनी पकती है हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं इस तरह के बड़े थाल का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी मावा। ये लगभग 200 ग्राम मावा है। अब हम हाथों से, हथेली से इसको अच्छे से इस तरह से मस लेंगे। मावा बिल्कुल भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इस तरह से लगातार इसको हमें मतते जाना है। इसको मतने में लगभग 5-7 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से मतना है और स्मूथ बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हथेली से मैं इसको रगड़ रही हूँ। इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको रगड़ते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा लचीला ये होने लग गया है। इसको हमें तब तक मसलना है जब तक ये बहुत ही अच्छे से चिकना और स्मूथ ना हो जाए। लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 2 चम्मच मैदा। ये देखिए, मैं 2 चम्मच मैदा इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। मैदा डाल के हम वापस से इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर से इसको इसी तरह से सॉफ्ट और लचीला बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसको हमें मतना है। मैदा डालने के बाद एक बार ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, इस तरह से हम इसको मतते जाएंगे तो ये वापस से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। अब इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी लगभग 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा। इससे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे फूलेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसको इस तरह से हम फिर से मत लेते हैं ताकि सारे आटे में बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और लचीला हो गया है। अब हम इसके गुलाब जामुन बना लेते हैं। अब इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से बॉल बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा गुलाब जामुन का बॉल बना है। ध्यान रहे इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। अब इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ। एक बार में जितने हमें कढ़ाई में डालने हैं हम उतने ही बॉल्स बनाएंगे। सारे हमें एक साथ नहीं बनाने हैं। एक बार कढ़ाई में हम जितने डाल देंगे बाकी फिर हम बाद में बनाएंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से प्लेन करना है। ये देखिए कितना अच्छा गुलाब जामुन का बॉल बना है। ध्यान रहे इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने 6 बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको तल लेते हैं और चाशनी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस ये नॉर्मल चाशनी होनी चाहिए। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी
और हम गुलाब जामुन तल लेते हैं। गुलाब जामुन तलने के लिए पैन में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को इस तरह से हथेली पे लेके थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और फिर हम पैन में डालेंगे। तेल हमें इसके लिए ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का गर्म ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हथेली पे लेकर मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ और इनको डालती जा रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, इनको हम लो फ्लेम पे ही तलेंगे और एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे उतने ही हमें डालने हैं। अब इसको इस तरह से धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे, इस तरह से हम इसको टर्न करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर हम टर्न नहीं करेंगे तो एक साइड से ये अच्छे से काले हो जाएंगे और दूसरी साइड से सफ़ेद सफ़ेद रह जाएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े तलने लग गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चलाते रहेंगे, जब तक ये तल रहे हैं बाकी बॉल्स भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में मैं इनको चला रही हूँ ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएं। ये देखिए सभी तलकर तैयार हो गए हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और निकाल के हमें सीधा चाशनी में डालना है। ये देखिए इस तरह से मैं सीधा चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी थोड़ी सी गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी चाशनी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है। चाशनी में डालकर इसको हम इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये थोड़े से अच्छे से डिप हो जाएं। ये देखिए इस तरह से मैंने सबको अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे और बाकी गुलाब जामुन भी इसी तरह तल लेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन को सीधा मैं चाशनी में डाल रही हूँ। सभी गुलाब जामुन को तलकर मैंने चाशनी में डाल दिया है। इस तरह से हम इसको एक बार हिला लेते हैं। ये देखिए चाशनी में अभी ये ऊपर है, जैसे ही चाशनी अब्सॉर्ब करने लगती है तो ये नीचे बैठने लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैठने लग गया है क्योंकि इनको हमने पहले डाला था। ये देखिए मैं सभी को टर्न कर रही हूँ और अब इसको मैं लगभग एक डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि चाशनी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। गुलाब जामुन को लगभग एक घंटा हो गया है, इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है, इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब इसको मैं इस तरह से बादाम से गार्निश कर रही हूँ, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी अंदर तक पूरी तरह से चली गई है, बहुत ही अच्छे ये बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।